Next example is example number 3. Find the length of an arc of a circle of radius 5 cm subtending a centered angle measuring 15 degrees. Okay. So we have to find out. यहाँ पर हमें find out क्या करना है? The length of an arc. Directly मुझे L find out करना है. और आपको दिया क्या गया है? ये मुझे find out करना है. मेरे पास radius है. 5 cm and मेरे पास angle है theta in degrees is 15 degrees. Okay. Now हमारे पास relation ये है कि L is equal to radius into angle, but angle must be in radian में होना चाहिए. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? हम जो है ये जो degree measurement है हमारे पास 15 degree से कम कन्वर्ट करेंगे. किसमें हम कन्वर्ट करेंगे? उसे रेडियन में. सो 15 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन? सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 180 इट्स योर रेडियन. ओके. सो 15 1 15 30 3 2 0. So it is 5 by 12. ये होगा आपका रेडियन मेजरमेंट जो आपको वैल्यू यहाँ पे रखनी है. ठीक है. हम डायरेक्ट 15 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम थीटा की वैल्यू रखेंगे इट मस्ट बी इन रेडियन. ओके. सो रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 5 by 12. सो लेंथ इज इक्वल टू 5 pi by 12. और लेंथ आपको अगर पाई में नहीं चाहिए तो टेक 5 by 12, pi is equal to 22 by 7. So 11 and 6. Okay. So 55 divided by 42. So 1 point something रहेगी जो भी रहेगी वैल्यू. 1 13 1 30 और 130 है. So 2 sir. So 1.2 centimeter something इसकी वैल्यू समझ में आएगी. आप लेंथ. ओके. नेक्स्ट हमारा जो सम है वो होगा फाइंड द डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन डिग्रीज द एंगल इन डिग्रीज एंगल फाइंड आउट करना है. वही रिलेशन रहेगा दैट एल इज इक्वल टू आर इनटू थीटा. ओके. बट हमें फाइंड आउट करना है थीटा. सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. ओके. और यहां पे हमारे पास गिवन डेटा इज डायमीटर. सो डायमीटर मींस 50 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ एल इज गिवन that 11 centimeter. Okay. So radius agar find out karna hai, so radius means half of the diameter. Okay. So aapko pata hai ki kisi bhi circle ke andar diameter means the longest chord passing through the center. So radius ye pura jo hoga wo diameter hoga aapka. और उसका हाफ जो रहेगा इसे हम कहते हैं रेडियस. ओके. रेडियस कहते हैं. सो इट इज रेडियस मींस हाफ ऑफ द डायमीटर. सो 50 डिवाइडेड बाय 2 सो इट इज 25 सेंटीमीटर. ओके. सो रेडियस है आपके पास, लेंथ है आपके पास. सो एल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 11
रेडियन में मिलेगा. ओके, सो अब हमें फाइंड आउट करना है इन डिग्रीज, किसमें चाहिए हमें, डिग्रीज के अंदर चाहिए. सो डिग्रीज के लिए थीटा को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11/25 डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है, सो 180/pi से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. सो 11/25, सो 5 से कैंसिल होगा, ये 5 से और 3 36, ओके. और इसकी वैल्यू भी हम रख देते हैं 11/pi से, सो 11/5 × 36, इसकी वैल्यू 22/7 मल्टीप्लिकेशन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है. सो 11 × 2 = 22 एंड 2 × 8 degree, ओके. 18 × 7 = 126 डिवाइडेड बाय 5. नाउ इट इज योर डिग्री फॉर्म. अब उसे प्योर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें पता है धीरे धीरे प्योर फॉर्म उसमें से निकाल लेना है और जो बचता है उसे उससे स्मॉलर यूनिट में हमें कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है. सो 5 × 10 = 25 or 26, सो 5 × 5 और रिमेनिंग एलिमेंट इज 1. सो 25 इज योर प्योर डिग्री फॉर्म, प्योर डिग्री में हुआ. और उसके बाद क्या बचा है आपका, 1/5. अब इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, उससे छोटे यूनिट, सो डिग्री से छोटे यूनिट क्या होंगे, वो होंगे मिनट. सो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से, अगेन मैं ग्रेटर यूनिट में इसे स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है. तो ये मुझे मिलेंगे मिनट्स, सो इट इज 12/5 = 60. सो आंसर इज 25 degree 12 minute, इट्स योर आंसर, क्लियर. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर इज गिवन, इज 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पोल, ओके, इट इज नॉट लेंथ ऑफ आर्क, इट इज गिवन एज लेंथ ऑफ पोल. We are supposing that chord name is AB. So chord length जो है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है. कितनी है, 20 सेंटीमीटर. Find the length of minor arc. हमें minor arc की length find out करनी है corresponding to the chord. Okay? ठीक है, तो एक circle है मेरे पास, ठीक है, उसमें एक chord है जिसका नाम मैंने दिया है A and B, जिसकी लेंथ है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, ओके. और दूसरा मेरे पास एक डायमीटर है, चलो मैं सपोज कर रहा हूँ ये डायमीटर सेंटर मैंने यहाँ पे सपोज किया, तो डायमीटर की जो लेंथ है वो है मेरे पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है. यहाँ तक की लेंथ मेरी 40 है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 20 होगी, तो ये भी एक रेडियस होगी मेरी, ठीक है. उसकी लेंथ भी क्या होगी, 20. सो तीनों तीन साइड्स अगर सेम है तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर मैं इसे नाम दे दूं सी, सो एज शोन इन फिगर, दैट ट्रायंगल ए बी एंड ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. So, हमें पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों तीन एंगल जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सेम, मतलब ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा, है ना. सो हमारे पास अब थीटा है तो हमें आर लेंथ मिल जाएगी, वेरी इजी. सो हमारे पास अब क्या मिला, हमें थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और उसके ऊपर से हमें रेडियस मिल जाएगी. सो रेडियस इट मींस हाफ ऑफ डायमीटर, जिस तरह से हमने अभी देखा सर, डायमीटर बाय टू,
So diameter is 45 cubic, is 20 cm. Okay. So now we have the equation of length r into theta, but theta must be in radian. तो हमारे पास theta किसमें है? 60 degree. अब उसे मुझे radian में convert करना है, तो क्या करूँगा मैं? 5/180 से multiply करूँगा उसे, है ना? Radian में लाने के लिए. So 63 sub means इस तरह से हमने आगे देखा ही है, ये हमारा radian होगा, ठीक है? तो अब आपके पास r भी है और थीटा भी रेडियन में है, तो दोनों की वैल्यू रख देंगे हम, दैट 20 इनटू थीटा इज इक्वल टू 5/3. सो पुट द वैल्यू 20, पाई की वैल्यू 22/7, 3 और सॉरी 20, सो इट भी कैंसिल नहीं हो रहा है. So 20 0 0 44 divided by 21. So 21 means 2's are how many? Remaining element is 20. So 20 or 21. मतलब अभी तो divide नहीं होगा, तो एक point हमें लेना पड़ेगा. So यहाँ पे divide नहीं होगा उसका 0. Okay? So it is 200. So 200 means 9. So approximate answer क्या रहेगा हमारा? वो answer क्या रहेगा? 20.9 cm. Okay? Got that? So इस तरह से आप find out कर सकते हो. Now next example. The angle of triangle are in AP. AP means arithmetic progression. और आप already arithmetic progression 10th standard के अंदर पढ़कर आए हो, तो AP फिर से revise करा देते हैं. arithmetic progression मतलब कैसा progression? जब number एक दूसरे से similar manners में बढ़ता है, तो वहाँ पे हमें पता था कि किसी एक initial numbers के अंदर से difference जो होगा वो consistently same add होता रहेगा. तो ऐसी अगर progression कोई है, numbers की ऐसी progression कोई है, तो इसे हम कहते थे arithmetic progression. ठीक है? तो arithmetic progression में होना मतलब क्या? कि common number उसमें से either minus हो रहा है या either add हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं arithmetic progression. Okay? So the number of degrees in the list is to the number of radians in the greatest as 60/5. Okay? So यहाँ पे हमें एक ratio दिया गया है. क्या? कि number of degrees in the list, मतलब जो सबसे छोटा angle है वो सबसे बड़े एंगल के रेडियन माप के साथ वो रेशियो में है, 60/5 के रेशियो में. ठीक है? तो फाइंड द एंगल्स इन डिग्री. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसे समझ को अच्छे से समझना होगा. ठीक है? तो पहले अगर तीन एंगल हमें एक इक्वेशन तो पता है, किसी भी ट्रायंगल के लिए एक प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि अगर तीनों तीन एंगल का आप सम करोगे तो वो कितना होगा? 180 होगा. कितना होगा? 180 होगा. सो जैसे आपने 10th में किया है सॉल्व, कि अगर आपको तीन वैल्यूज किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए तीन वैल्यूज अगर आपको लेनी है, सपोज करनी है, तो आप क्या सपोज करते थे? दैट सपोज थ्री एंगल ऑफ triangle is हम degrees में ही suppose करेंगे. Okay? Angle in degree of triangle that a minus d a and a plus d. देखो, अब ये मेरा एक number है, मैं मान रहा हूँ. ठीक? तो उसमें आप a minus d मतलब उसके प्रीवियस वाला और इसके नेक्स्ट. ठीक है? तो ये तीन एंगल्स मेरे सपोज कर रहा हूं. अब जिस तरह से मैंने बताया कि पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि अगर तीनों तीन एंगल को आप ऐड करोगे, a माइनस d प्लस a प्लस a प्लस d, तो उसका आंसर मुझे मिलता है 180 डिग्री. मैंने डिग्रीज में ही कंसीडर किया है एंगल्स को. ठीक है?
तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a माइनस b a प्लस d ब्रैकेट ओपन करोगे तो b d कैंसिल हो जाएगा 180 सो यहाँ पर 3 a इज इक्वल टू 180 सो a मुझे क्या मिला 60 डिग्री ठीक है तो एक एंगल मुझे मिल गया कितना 60 डिग्री अब बाकी के दो फाइंड आउट करने के लिए मुझे d फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा d फाइंड आउट करना पड़ेगा ओके सो इसके लिए मेरे पास दूसरा इक्वेशन होना लगने से ये किया कि अब हमें लिस्ट जो होगा वो कौन सा होगा a माइनस d ऑब्वियसली एंड a प्लस d जो है वो ग्रेटेस्ट होगा ठीक है सो a माइनस d ऑलरेडी डिग्रीज के अंदर है तो नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट सो डिग्री में ये तो डिग्री में ही है मेरे पास ठीक है नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट सो नंबर ऑफ रेडियन मतलब मुझे ये जो एंगल लेना है अब ये मेरा कितना है a प्लस d है ठीक है वो है किसमें a प्लस d मैंने किसमें सपोज किया था इन डिग्रीज के टर्म अब मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें रेडियन में क्योंकि वहां पर बताया गया है कि रेडियन में ही आपको लेना है सो कन्वर्ट करने के लिए 5/180 से मैंने मल्टीप्लाई किया है ठीक है और उसका जो रेशियो है वो है 16:5 ठीक है सो अब मुझे वैल्यूज रखनी है सो ये यहाँ पर डिवीजन में है यहाँ पर डिवीजन में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ठीक है सो अब बचता क्या है ये 180 जो है वो डिवीजन है डिनोमिनेटर में तो वो कहां चले जाएंगे न्यूमेरेटर में सो a माइनस d इनटू 180 और ये प्लस d सामने चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में यहां पर डिवीजन में इसलिए ठीक है सो 63 जा 180 ओके इस अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस d ओके सो 3d को उस तरफ भेज दो तो क्या मिलेगा आपको 3a माइनस a और 3d उस तरफ जाएगा तो प्लस d सो 3a माइनस a इज 2a एंड ये होगा 4d ओके सो a की वैल्यू तो है हमारे पास कितनी 60 a 2 2 जा 4 सो 60 डिवाइडेड बाय a 2 सामने आएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 सो d इज इक्वल टू 30 हमारे पास a की भी वैल्यू है d की भी वैल्यू है और हमें डिग्रीज में एंगल फाइंड आउट करने हैं तो पहला एंगल था हमारा a माइनस d मतलब 60 माइनस 30 पहला एंगल है हमारा 30 डिग्री दूसरा एंगल था a मीन 60 डिग्री और तीसरा एंगल था a प्लस d सो 60 प्लस 30 डिग्री इज 90 तो इस तरह से आप तीनों के एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ओके